हाय फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक्सरसाइज 1 का फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इसके अंदर अपन को टोटली 6 बिट्स है, अपन एक एक करके पूरे बिट्स को सॉल्व करेंगे। ओके, सो अपन देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सिंप्लीफाई एंड गिव रीजन बोल रहा है। सो इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, सो वेरी सिंपल फ्रेंड, देखिए फर्स्ट बिट क्या है, 4 टू द पावर ऑफ 0 प्लस 5 टू द पावर ऑफ माइनस 1 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 1/3। सो सिंप्लीफाई करो बोल रहा है फ्रेंड्स। अपने को पता है एक्सपोनेंट क्या बोलता है, ए टू द पावर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या बोलता है, ए टू द पावर ऑफ 0 इक्वल टू 1 बोलता है। सो इधर ए का वैल्यू 0 नहीं रहना चाहिए, बट इधर 0 नहीं है, 4 है, तो हमेशा 1 हो जाता। और 5 टू द पावर ऑफ 1, ये कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है फ्रेंड, ए टू द पावर ऑफ माइनस एन इज इक्वल टू 1 बाई ए टू द पावर ऑफ एन। सो इधर क्या है, 1 बाई 5। सो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, 5 टू द पावर ऑफ माइनस 1 को मैं क्या करूँगा, 1 बाई 5 लिखूंगा, इंटू 5 स्क्वायर का 5 स्क्वायर इंटू 1/3। सो अभी मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा, 5 1 5 प्लस 1 दैट इज 6/5, 5 1 5 प्लस 1 6/5 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 1/3। ओके, सो मैंने क्या करा फ्रेंड्स, 5 1 5 5 प्लस 1 दैट इज 6/5 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 1/3। देखिए फ्रेंड्स, इधर न्यूमरेटर में 5 स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में 5 है, सो एक 5 कट कर दीजिए। और इधर देखिए फ्रेंड्स, इधर न्यूमरेटर में 3 है और डिनोमिनेटर में 6 है, सो 3 1 3 2। सो इधर क्या बचा फ्रेंड्स, ऊपर 2 बचा और इधर एक 5 बचा, सो 2 5 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 10 हो जाएगा। सो आंसर फॉर फर्स्ट वन इज 10। ओके, सो फर्स्ट बिट का आंसर 10 है। इसी तरह अपन को सेकेंड बिट को भी सॉल्व करना है फ्रेंड्स। सेकेंड बिट देखिए क्या है, 1/2 1/4 1/5। सो देखिए फ्रेंड्स, जब पावर सेम है तो आपको करना क्या है, जस्ट इसको आपको देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या बोलता है, ए टू द पावर ऑफ m बी टू द पावर ऑफ m इज इक्वल टू ए इंटू बी टू द पावर ऑफ m। सो प्रोडक्ट कर देना है। सो अभी आप क्या करेंगे, फर्स्ट टू को पहले अप्लाई कर दीजिए, 1/2 1/4 टू द पावर ऑफ माइनस 3 इंटू 1/5 इंटू माइनस 3, सो 2 4 8, 1/8 इंटू फिर से ये 1/5 इंटू माइनस 3। मैं डायरेक्ट कर दिया फ्रेंड ये स्टेप, 1/2 1/4, 1 1 1, 2 4 8, फिर इधर से 1/5 ले लिया, सो 8 5 जा। सो अभी आप क्या करते हैं, 1/40³। बट देखिए फ्रेंड्स, ये अपन को लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या बोलता है, ए पावर माइनस एन इक्वल टू 1/a^n। ओके, सो अभी आप क्या कर सकते हैं, इसको 1, ये क्या है -3/40 -3। सो आप इसको क्या कर सकते हो, 1/1³ और 1/40³। सो इसको ऊपर भेज दीजिए, इसको नीचे, तो आंसर क्या देंगे, 40³। सो यही इसका फाइनल आंसर है, 40³ इज द फाइनल आंसर। ओके, 1³ मीन्स 1 ही चाहेगा, सो डिवाइड बाय 1 लिखेंगे तो भी नो यूज। ओके, सो आई होप आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स, मैंने 40³ कैसा लिखा है, 1³ ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फ्रेंड्स पावर एक्सपोनेंट्स, इसको भी और इसको भी। सो इसके बाद में 40³। तो थर्ड बिट क्या है देख लिए फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स थर्ड बिट क्या है, 2^-1 प्लस 3^-1 प्लस 4^-1 इंटू 3/4। सो इधर भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कौन सा लगता है फ्रेंड्स, ए टू द पावर ऑफ माइनस एन इज इक्वल टू 1/a^n। सो इसी फॉर्मेट में सबको लिख लेंगे, पहले 1/2 + 1/3 + 1/4 × 3/4। सो जब आप इसका एलसीएम ले लेंगे फ्रेंड्स, 2 3 4 का एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ जाएगा। सो 12 इधर क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, 2 है सो 6 आ जाएगा, और इधर 3 है तो 4 आ जाएगा, और इधर 4 है तो 3 आ जाएगा इंटू 3/4। तो देखिए फ्रेंड्स, 6 + 4 = 10, 10 + 3 = 13, 13/12 इंटू 3/4, 3 1 3 4 जा, सो क्या हो जाएगा, 13/16 आ जाएगा। सो यही इसका फाइनल आंसर। ओके, 13/16 इज व्हाट फाइनल आंसर, इसके लिए थर्ड बिट के लिए। अभी इसी तरह फोर्थ बिट भी देख लीजिए फ्रेंड्स, फोर्थ बिट क्या है, इसको भी लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट आपको लगाना है, जैसे कि a^-n = 1/a^n। सो आप क्या करेंगे, 1/3² / 3 इंटू, इसको देखिए 3^1 दैट इज 1 - 1/3। ये 1/3 क्यों लिखा फ्रेंड्स मैंने, क्योंकि इसको भी a^-n की फॉर्म। अभी ये क्या हो जाएगा, अभी मैं इसको क्या करूँगा, ये नीचे आ जाएगा। ओके, ये नीचे आ जाएगा,
सो 1 बाई 3 स्क्वायर इंटू 3 इंटू, और ये क्या हो जाएगा, 3 वन जा 3 माइनस 1 दैट इज 2 बाई 3, ओके 3 वन जा 3 माइनस 1 दैट इज 2 बाई 3। अभी ये देखिए फ्रेंड्स, इधर क्या है, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड करना है, जस्ट 1 बाई 3 क्यूब इंटू 2 बाई 3, ओके। सो अभी इधर भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अपन को 2 बाई, इधर भी बेसिस सेम है, सॉरी इधर भी क्या है, जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 बाई 3 टू द पावर ऑफ 4। सो 3 टू द पावर ऑफ 4 को आप कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, सो 3 3 इज 9, 9 3 इज 27, 27 3 इज 81, ओके। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, 2 बाई 81। सो दिस इज व्हाट द फाइनल आंसर, सो 2 बाई 81 इज व्हाट फाइनल आंसर। सो अभी लास्ट 2 बिट्स है वो भी देख लेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ बिट क्या है, 1 प्लस 2 टू द पावर ऑफ माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर ऑफ माइनस 1 प्लस 4 टू द पावर ऑफ 0। सो ये 2 टू द पावर ऑफ माइनस 1 को अपन लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट की मेथड से कैसे लिखेंगे, a पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 बाई a टू द पावर ऑफ n, ओके। सो अभी आप इधर क्या करेंगे, 1 प्लस 2 टू द पावर ऑफ माइनस 1 को 1 बाई 2 लिखेंगे इस मेथड में, और 1 बाई 3। और इधर देखिए फ्रेंड्स, ये वाला इसको अपन क्या करेंगे, a टू द पावर ऑफ 0 इक्वल टू 1, सो इधर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी आप एलसीएम ले लेंगे 2 और 3 का तो 6 आएगा, तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, और ऊपर 3 आएगा, और इधर 2 आएगा, इधर आपको 6 आएगा, ओके। आप एलसीएम निकाल लिए 2 और 3 का तो 6 आएगा, फिर इसके बाद में इधर 1 है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, फिर ऊपर आपको 6 बाई 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 6 बाई 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर इधर 6 का 6 क्योंकि 6 है। सो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 दैट इज 11, 11 प्लस 6 17, सो 17 बाई 6 फाइनल आंसर कितना आ रहा फ्रेंड्स, 17 बाई 6 आ रहा, ओके। सो यही इसका फाइनल आंसर है, ओके। सो इस क्वेश्चन का लास्ट बिट भी है फ्रेंड्स, वो भी देख लेंगे अपन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, a टू द पावर ऑफ m टू होल टू द पावर ऑफ n, सो इसको अपन क्या लिखते हैं, a टू द पावर ऑफ m इंटू n कर देंगे। तो इसी तरह इसको भी क्या करना है, 3 बाई 2 टू द होल टू द पावर ऑफ माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 3 बाई 2 टू द होल टू द पावर ऑफ माइनस 4 आ गया, माइनस 4, ओके। क्यों, क्योंकि माइनस 2 इंटू 2 क्या होता है, माइनस 4 है। अभी अपन क्या करेंगे, जो भी पावर है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसको, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। सो 3 ये माइनस नहीं है फ्रेंड्स, 3 टू द पावर ऑफ माइनस 4 बाई 2 टू द पावर ऑफ माइनस 4, दोनों में माइनस 4 माइनस 4 दे दिए। अभी आप इसको हर एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा सकते हैं, a टू द पावर ऑफ माइनस 1 माइनस n इज इक्वल टू 1 बाई a टू द पावर ऑफ n। सो आप इसको क्या कर सकते हो, 1 बाई 3 टू द पावर ऑफ 4, और इसको 1 बाई 2 टू द पावर ऑफ 4, 1 बाई 3 टू द पावर ऑफ 4 इक्वल टू 1 बाई 2 टू द पावर ऑफ 4। सो ये ऊपर चल जाएगा 2 टू द पावर ऑफ 4, और 3 टू द पावर ऑफ 4 नीचे आ जाएंगे, ओके। सो 2 टू द पावर ऑफ 4 नीचे आ जाएंगे, और अपन इसको अभी अपन क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसको अभी अपन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 जो 4 टाइम्स है ना, 2 तो लिख देना, हाँ 3 भी 4 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, और 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, सो 16 बाई 81 इज फाइनल आंसर फॉर दिस। सो आई होप आपको समझ में आऊंगा फ्रेंड्स, 16 बाई 81 इज फाइनल आंसर फॉर 6th बिट। सो आपको वीडियो कैसा लगा है ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स, और आप नए इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू।